फोरलेन स्थित नगझर गांव के पास धर्मकांटा परिसर में मध्य प्रदेश सहकारी समिति संघ के जिलाध्यक्ष बंशीलाल ठाकुर पर अज्ञात लोगों ने प्राणघातक हमला कर दिया। इस घटना से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। हादसे में गंभीर रूप से घायल ठाकुर को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना सोमवार मंगलवार की रात करीब 12 बजे के आसपास की है। इस मामले में डूंडा सिवनी पुलिस ने अज्ञात लोगों पर मामला दर्ज कर जाँच पड़ताल शुरू कर दी है। यह हादसा उस समय हुआ जब बंशी ठाकुर धान चोरी होने की जानकारी मिलने पर नगझर के पास साईं धर्मकांटा पहुंचे थे। तभी ट्रक चालकों से विवाद होने पर उनके ऊपर लाठियों से हमला कर दिया गया। हादसे में ठाकुर का बाया पैर फ्रैक्चर हो गया। इस मामले में डूंडा सिवनी थाना प्रभारी देवकरण डहेरिया का कहना है कि मारपीट की घटना के मामले में अज्ञात लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। फिलहाल जाँच की जा रही है और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर समिति के कर्मचारियों ने एएसपी को ज्ञापन सौंप कार्यवाही की मांग की है। 25 से 30 लीटर पर्ची लगाने काम कर रहे अच्छा। माल चुराने हर गाड़ियों में एक एक दो दो कर्मचारी चढ़े हुए थे और अपना काम खेल खेल रहे थे। मैं जाके उस तरफ वो ढाबा है वहाँ जाके पहले 15-20 मिनट तक वहाँ बैठा रहा, वहाँ से देखते रहा उनके लगा। फिर उस गाड़ियों की बोरी करने लगी अच्छा। उनको अब जी अति हो गई बिल्कुल, ये ज़्यादा हो गया उनको। मैं जाके उनको शायद मेरे को थम जाए तो मैं यार तुम चोरी क्यों कर रहे हो, मेरे को बोरी क्यों खरीद रहे हो। बोली तुम कौन हो, मेरे को मैं कोई भी हूँ, तुम बोरी उतार क्यों रहे हो ये बताओ। काय से मारे आपको? लट से। लट से मारे, पैर में फ्रैक्चर है। पैर फ्रैक्चर। तो उसके बाद फिर आप कैसे पहुँचे यहाँ अस्पताल? वहीं के कुछ लोगों ने लेके आए आई साइड वालों ने। अच्छा।